आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने हजारों की संख्या में राजधानी भोपाल पहुंचकर नीलम पार्क में अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। वहीं मांगे पूरी नहीं होने पर उन्होंने लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करने की भी धमकी दे डाली। देखिए खास रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव नजदीक आते ही एक बार फिर मध्य प्रदेश में धरना प्रदर्शन की आहट सुनाई देने लगी है। जी हाँ, कमलनाथ सरकार को अपना वचन याद दिलाने के लिए हजारों की संख्या में आशा उषा कार्यकर्ताओं ने राजधानी भोपाल के नीलम पार्क में जंगी प्रदर्शन किया। जाग गई नारी शक्ति, जाग गई मध्य प्रदेश शासन, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ मध्य प्रदेश शासन, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आकर काम करो, काम करो, काम करो, होश में आकर काम करो। उस दौरान आशा उषा कार्यकर्ताओं ने कहा कि मुख्यमंत्री कमलनाथ ने चुनाव के दौरान आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के नियमितीकरण का वादा किया था, लेकिन अभी तक सरकार अपने वादे पर खरी नहीं उतरी है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने मांग की है कि उन्हें शासकीय कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। साथ ही कार्यकर्ताओं ने कहा कि उनकी मांगे पूरी नहीं की गई तो वे आगामी लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे। और आज हमारा जो प्रदर्शन जो हो रहा है, ये हमारा संयुक्त मंच समस्त यूनियंस मिलके मध्य प्रदेश की इस जंगी प्रदर्शन को हम लोग कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने अपने वचन पत्र में दिया था कि हमारी सरकार आने पे हम आपको नियमित करेंगे, हमारा वचन हमारा शासन, और उनका समय था 90 दिन के भीतर भीतर हम आप लोगों को नियमित करेंगे। फिर भी 90 दिन होने को आए हैं, मुख्यमंत्री जी अपने वचन से मुकर रहे हैं, जिसके लिए हम लोगों को सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। अगर मुख्यमंत्री जी ने अपना वचन नहीं निभाया तो हम उग्र आंदोलन करेंगे लोकसभा में। हम साथ कोई साथ नहीं देंगे, हम उनका चुनाव का बहिष्कार करेंगे, खुल के नोटा पे वोट डलवाएंगे। कुल मिलाकर अब देखना होगा कि सीएम कमलनाथ कब तक आशा उषा कार्यकर्ताओं की मांगों को पूरा करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, भोपाल।